दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे शिबेरियम की पावर की और क्यों शिबेरियम यहां पर 2024 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और शिबेरियम के थ्रू क्या यहां पर शिबा इनू कॉइन का प्राइस 0.10 रुपीस तक जा सकता है, क्या ये 1 रुपए को हिट कर सकता है, क्या ये आने वाले समय में 5 रुपए या 10 रुपए तक भी पहुंच सकता है। काफी सारे इन्वेस्टर्स है जो यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं और अगर ये पॉसिबली यहाँ पर इस प्राइस रेंज पर जाता है तो काफी सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो कितने क्या चांसेस है यहाँ पर इसके इन प्राइस लेवल पर जाने के, साथ ही यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन के जो स्ट्रेटेजिक प्लान है 2024 के उसकी आउटलाइन की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा यहां पर जो मेजर फैक्टर होने वाला है शिबेरियम होने वाला है शिबा इनू कॉइन के इकोसिस्टम में। अगर हम 2024 में भी देखें यहां पर आप देख सकते हैं शिब ने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया हुआ है 2024 मैक्स शिबेरियम ग्रेड, जहां पर 2024 जो है वो शिबेरियम को ग्रेड बना सकता है। शिबेरियम यहां पर काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है क्योंकि अगर हम शिबेरियम की बात करें 2023 अगस्त में ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद से लगातार यहां पर ये अच्छी खासी स्पीड में रन करता हुआ नजर आ रहा है। 16th ऑफ अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था और ये यहां पर काफी सारी ब्लॉकचेन को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है और उनसे आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम शिबेरियम के अभी के समय में टोटल ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये यहां पर 255 मिलियन को क्रॉस कर चुका है, 255 मिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन अभी के समय में हो चुके हैं। लेस देन 5 मंथ में यहां पर इसने ये माइलस्टोन कंप्लीट किया है और उसके साथ ही 2.5 मिलियन ब्लॉक्स जो है वो अभी तक मिंटेड हो चुके हैं। अगर हम वॉलेट एड्रेसेस की बात करें वो यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है 1.32 मिलियन के ऊपर। उसके साथ ही अगर हम यहां पर एवरेज देखें ट्रांजेक्शन तो वो यहां पर 5 मिलियन से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अभी तक जो शिबेरियम ने यहां पर बर्निंग की है उसकी हम बात करें तो वो यहां पर 33-34 बिलियन के आसपास हो रही है और हर बार ऑलमोस्ट 8 बिलियन, लगभग 4 बार बर्निंग हुई है, तो 8 बिलियन टोकन्स यहां पर एवरेज इनके द्वारा डेड वॉलेट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो अभी भी अगर हम देखें यहां पर पोटेंशियली इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो इनका हार्ड फोक इवेंट होने वाला है उसमें यहां पर ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ने वाली है, जिससे यहां पर ज्यादा स्पीड में ट्रांजेक्शन होगा और ज्यादा यूज यहां पर इस ब्लॉकचेन का होने वाला है। शिबेरियम के थ्रू अगर हम देखें बर्निंग अच्छी खासी अभी भी हो रही है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ बर्निंग होना चाहिए। अगर ट्रिलियंस ऑफ बर्निंग होगी तो ही यहां पर पॉसिबल है कि इसका प्राइस अच्छा खासा जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 0.10 या फिर 1 रुपए या फिर 5 रुपए 10 रुपए तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी की अगर हम सप्लाई की बात करें सप्लाई यहां पर ऑलमोस्ट 589 ट्रिलियन देखने को मिलेगा और जिस प्रकार से यहां पर अभी बर्निंग हो रही है ऑलमोस्ट यहां पर बर्निंग अच्छे खासे अमाउंट में हुई है, 34 बिलियन टोकन्स को यहां पर बर्न किया है। लेकिन अगर हम बिलियंस की बात करें बिलियंस भी इतने ज्यादा नहीं हो रहे, अगर हम यहां पर 1 ट्रिलियन की बात करें तो 1 ट्रिलियन मतलब हो रहा है यहां पर 1000 बिलियन टोकन, तो 1000 बिलियन टोकन यहां पर जब बर्न होंगे तब जाकर 1 ट्रिलियन सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगा। और अभी के समय अगर आप देखेंगे 589 ट्रिलियन यहां पर सप्लाई देखने को मिलेगा, मतलब कितने बड़े बर्निंग अमाउंट की अभी रिक्वायरमेंट है अगर सप्लाई को लगातार रिड्यूस करना है। लेकिन सिर्फ यहां पर सप्लाई रिड्यूस होने से इसका प्राइस जो है वो इस लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा। मतलब अगर हम 99% बर्निंग की बात करें, क्या यहां पर 99% बर्निंग होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी टोकन को लेकर। इसकी यूटिलिटी यहां पर बढ़ सकती है, यूज केस यहां पर बढ़ेगा, जिस वजह से अगर हम देखें प्राइस पर इंपैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अगर यहां पर 50% भी इसे बर्न कर दिया जाता है आने वाले टाइम में, जिस प्रकार से अभी बर्निंग हो रही है, अच्छा खासा सप्लाई अभी 589 ट्रिलियन के आसपास होगा, इसका हाफ अमाउंट भी अगर बर्न होता है तो यहां पर पॉसिबल है कि इसका प्राइस जो है वो एक अच्छे खासे लेवल पर आपको देखने को मिलेगा जो अभी आप देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी काफी ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा, मतलब काफी सारे साल यहां पर लग सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर इतने बड़े बर्निंग की वो होना अभी के समय में किसी भी टोकन को अगर आप देखें इस प्रकार की बर्निंग अभी तक नहीं हो रही जिस प्रकार की यहां पर शिबा इनू के इकोसिस्टम में और शिबेरियम में होते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहां पर शिबेरियम की बात करें, शिबेरियम के ट्रांजेक्शन में फिर से स्पाइक देखने को मिली है। दिसंबर का मंथ अगर हम देखें काफी अच्छा था, लेकिन जनवरी की शुरुआत में यहां पर ट्रांजेक्शंस की जो स्पीड है उसमें थोड़ा रिडक्शन देखने को मिला था, जो एवरेज यहां पर 4.37 मिलियन तक पहुंच चुका था, जो यहां पर एक समय 7.5 मिलियन के ऊपर था पर डे ट्रांजेक्शन। लेकिन फिर से यहां पर स्पाइक देखने को मिली और ये ट्रांजेक्शन यहां पर 6.19 मिलियन तक पहुंच चुका है, मतलब यहां पर वन डे में लगभग 141% का जो सर्ज है यहां पर वो देखने को मिला हुआ है ट्रांजेक्शन में। 7.52 मिलियन के आसपास यहां पर पहले चल रहा था, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि शिबा जो है वो 1.0 को किल कर सकता है, मतलब यहां पर वो तैयार है, क्योंकि फिर से ये इस लेवल पर आ चुका है जहां पर 5 जीरोस के प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे डॉलर में, 9.798 के लेवल पर। और यहां से बाउंस बैक करके अगर हम डॉलर में देखें तो फिर से आप देख सकते हैं यहां पर इसका जो प्राइस है वो आपको 1.0 और 1.11 के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट यहां पर 10-15% जो पंप है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। काफी सारे इन्वेस्टर्स यहां पर इसको लेकर पॉजिटिव जरूर है, कुछ ऐसे भी हैं जो यहां पर
इसको लेकर नेगेटिव भी है, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे कॉइन को ही ढूंढना है जो आपको प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। शिबा जिस लेवल पर है यहाँ से आपको प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके साथ ही बोन पर आप फोकस करें क्योंकि बोन लगातार गिर रहा है। अगर हम लास्ट 7 डेज में यहाँ पर इसके प्राइस को देखेंगे 8% $0.64 के लेवल पर आ चुका है, 70 के लेवल पर था। कुछ अमाउंट में यहाँ पर इसे बाय किया जा सकता है, मार्केट अगर थोड़ा पॉजिटिव होगा यहाँ पर, अगर ETF की न्यूज़ आती है अप्रूवल की तो ये फिर से यहाँ पर पंप करेगा और फिर से यहाँ पर ये अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिल सकता है। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो भी यहाँ पर ये आपको ऑलमोस्ट लोवेस्ट लेवल पर देखने को मिलेगा और हाईएस्ट आप देख सकते हैं 9.6 का लेवल ये हिट करके आया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 ईयर की तो लगभग 2.05 का। तो यहाँ पर बोन पर आप थोड़ा फोकस करें, बोन को परचेस करें, श्योरली यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट देने वाला है। आप यहाँ पर DC के थ्रू बाय कर सकते हैं, थोड़ा अभी बाय कर लें, थोड़ा यहाँ पर 6260 के अराउंड बाय कर लें, यहाँ से आपको प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है दोस्तों। और उसके साथ ही शिबा जो है वो 0.01 अगर हम INR में देखें यह पॉसिबल रेट है, यहाँ तक जा सकता है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, इंस्टीट्यूशनल की डिमांड बढ़ेगी, वो यहाँ पर परचेस करेंगे, तो इस प्राइस लेवल तक ये हमें जाता हुआ नजर आ सकता है इन फ्यूचर। और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।